नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम प्रेमराज है। मैं आज फिर आपके सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक सच्ची घटना को लेकर के। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत ही प्यारा था। वह हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। कई बार वो तरह तरह के चुटकुले सुनाता रहता था, जिस कारण से हमारे पूरे सर्कल में वह हमारी जान हुआ करता था। लेकिन उसके अंदर एक बुरी आदत थी, वह किसी की बात को सुना नहीं करता था। हर बात पर तर्क वितर्क किया करता था। कोरोना महामारी के चलते मैंने उसे कई बार समझाया कि भाई, जब भी घर से बाहर निकला कर तो हैंड सैनिटाइज करके निकला कर, साथ में हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखा कर और मुंह पर हमेशा मास्क पहना कर, किसी से हाथ मत मिलाया कर और किसी से गले मत लगा कर, दो गज की दूरी हमेशा बनाए रख। परंतु वह मेरी भी हंसी उड़ा दिया करता था। वह कहता था, भाई आप ही बताओ कहाँ है कोरोना, मुझे तो कहीं कोरोना दिखाई दे नहीं रहा। आप मुझे कहीं कोरोना दिखाओ तो मैं मानूं। ये सब बकवास है, भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। मैंने उसे समझाया कि देख, कोरोना कोई रामलीला में लगे हुए रावण का पुतला तो है नहीं, जो मैं तुझे दूर से ही दिखा दूं कि वो रहा कोरोना। भाई ये विषाणुजन्य बीमारी है, ये श्वसन प्रक्रिया द्वारा जो है हमारे गले में फंस कर हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे हमारे फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं और हमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिस कारण से ऑक्सीजन के लिए हम तड़पने लगते हैं और जब अस्पतालों तक ले जाया जाता है तो वहाँ भी कई बार ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके चलते जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वह मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। आज 10-12 दिन बाद जब मैं घर पर ही था तो मैंने सोचा चलो आज इसका हालचाल ही ले लेते हैं। तो मैंने उसे फ़ोन किया, उसके घर वालों ने फ़ोन उठाया और रोने लगे। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो आप विश्वास मानना दोस्तों, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा और मेरे दिल का रोम रोम जो है उसके लिए रोने लगा। मैं बहुत आहत हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर भी मैंने उसके घरवाले से पूछा ये सब हुआ कैसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 5-7 दिन पहले कोरोना संक्रमित हो गया था और जब उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे मेरे प्यारे दोस्तों कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, जो करना है वो हमें ही करना है। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। हम जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो जरूरी काम के लिए ही निकलेंगे, बेकार काम के लिए हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमेशा हैंड सैनिटाइज करके बाहर निकलेंगे और हैंड सैनिटाइजर की जो बोतल है उसे जो है एक छोटी बोतल को अपने जेब में लेकर के निकलेंगे। हर 2-3 घंटे बाद जो है हैंड सैनिटाइज करते रहेंगे और अपने मुंह को जो है हमेशा मास्क से ढका रखेंगे, जिससे कोरोना जैसे विषाणु जो है हमारी श्वसन नली तक ना पहुंच सके। हमेशा लोगों से 2 गज की दूरी बना करके रखेंगे। कई बार मैंने देखा है किसी दुकान से सामान लेते समय लोगों को इतनी जल्दी होती है, आते हैं और घुसते चले जाते हैं, खुद तो संक्रमित होते ही हैं दूसरों को भी संक्रमित कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि भाई इतनी जल्दबाजी मत करो कि बुलावा भी तुम्हारा जल्दी ही आ जाए। इसलिए अपनी सुरक्षा अपने आप करो, 2 गज की दूरी बना करके रखो। 5-10 मिनट लेट भी हो जाते हो किसी सामान को लेने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम संक्रमित हो जाते हो तो तुम्हारे संक्रमित होने से तुम्हारा परिवार संक्रमित होगा और तुम्हारे परिवार से तुम्हारा आस पड़ोस संक्रमित होगा
और आस पड़ोस से जो है तुम्हारा राज्य संक्रमित होगा, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। संक्रमितों की संख्या जितनी बढ़ेगी उतनी ही राज्य सरकार के सामने जो है मुसीबतें बढ़ जाएंगी और उतनी ही समस्या जो है केंद्र सरकार के सामने भी बढ़ जाएगी। इसलिए राज्य और केंद्र को दोष देने से पहले जो है हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, दो गज की दूरी बनाए रखें और हमेशा मुंह पर मास्क पहने। जय हिंद, जय भारत।